राजस्थान के 6 किलों को जून 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर के 6 किले जयपुर का आमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंबोर किला, गागरो किला, जैसलमेर किला। राजस्थान के किलों में सबसे पहले अगर वर्णन किया जाए तो आमेर का किला का किया जाएगा। आमेर का किला जयपुर राजस्थान के उपनगर आमेर में जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका निर्माण 1592 में राजा मान सिंह प्रथम तत्पश्चात सवाई जय सिंह द्वारा अनेक योगदान व सुधार किए गए। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर, पाषाण एवं संगमरमर यूज हुआ है। यह मुगलों और हिंदुओं के वास्तुशिल्प का मिलाजुला और अद्वितीय नमूना है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया। सन 738 में गुहिल वंशी राजा बाप्पा रावल ने राजपूताने पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया। मालवा के परमार राजा मुंज ने इसे गुहिल वंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार 9वीं व 10वीं शताब्दी में इस पर परमारों का आधिपत्य रहा। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कहा जाता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़िया। कुंभलगढ़ दुर्ग। यह किला उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ राजस्थान जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले को अजयगढ़ कहा जाता है क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इस दुर्ग का निर्माण सम्राट अशोक के द्वितीय पुत्र संप्रति के बनाए दुर्ग के अवशेषों पर 1443 से शुरू होकर 15 वर्षों बाद 1458 में पूरा हुआ था। वास्तुशास्त्र के नियमानुसार बने इस दुर्ग में प्रवेश द्वार, प्राचीर, जलाशय, बाहर जाने के लिए संकटकालीन द्वार, महल, मंदिर, आवासीय इमारतें, यज्ञ वेदी, स्तब्ध क्षत्रियाँ आदि बने हैं। माड़ गायक इस दुर्ग की प्रशंसा में अक्सर गीत गाते हैं। रणथंबोर दुर्ग। सवाई माधोपुर। रणथंबोर दुर्ग दिल्ली रेल मार्ग से सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर रन और थम नाम की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 481 मीटर ऊंचाई पर 12 किलोमीटर की परिधि में बना है। इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान राजा रणथंबन देव द्वारा 944 में निर्मित मानते हैं। इस किले का अधिकांश निर्माण कार्य चौहान राजाओं के शासनकाल में ही हुआ है। रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमणों की लंबी दास्तान रही है। इसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही।
दुर्ग के तीनों ओर पहाड़ों के प्राकृतिक खाई बनी है जो इस किले की सुरक्षा को मजबूत कर अजेय बनाती है। जूनागढ़ किला बीकानेर। जूनागढ़ किला राजस्थान राज्य के बीकानेर शहर में स्थित है। जूनागढ़ किले का निर्माण 1588 से 1593 के बीच किया गया था। इस किले की स्थापना अकबर की सेना के एक सेनापति राजा राय सिंह ने 1593 में की, परंतु इसे आधुनिक रूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया। इसके कई आकर्षक महल हैं। लाल बलुए एवं संगमरमर पत्थर से बने महल प्रांगण, छज्जों, छतरियों व खिड़कियां जो सभी इमारतों में फैली हुई है। इस किले के चारों ओर लगभग 986 मीटर लंबी दीवार के साथ 37 सुरक्षा चौकियां भी हैं। किले के दो मुख्य दरवाजे हैं, जिसे दौलत पोल और सूरज पोल कहा जाता है। दौलत पोल में सती हुई राजपूतों महिलाओं के हाथों की छाप है। इस किले के अंदर अनेक खूबसूरत महल भी हैं। सिटी प्लेस जयपुर। सिटी प्लेस का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1729 से 1732 ईस्वी के मध्य कराया था। राजपूतों और मुगल स्थानपत्य से बना महाराजा का यह राजकीय आवास चंद्रमहल के नाम से विख्यात हुआ। सिटी प्लेस जयपुर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक महल परिसर है। सिटी प्लेस की भवन शैली राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैलियों का अतुल्य मिश्रण है। लाल और गुलाबी सैंडस्टोन से निर्मित इन इमारतों में पत्थर पर की गई बारीक कटाई और दीवारों पर की गई चित्रकारी मन मोह लेती है।
सिटी प्लेस उदयपुर। सिटी प्लेस कॉम्प्लेक्स राजस्थान राज्य के खूबसूरत शहर उदयपुर का सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल माना जाता है। उदयपुर में सिटी प्लेस की स्थापना 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई। सिटी प्लेस को स्थापित करने का विचार एक संत ने राणा उदय सिंह को दिया था। इस प्रकार यह परिसर 400 वर्षों में बने भवनों का समूह है। यह एक भव्य परिसर है। इसे बनाने में 12 राजाओं का योगदान था। सिटी प्लेस परिसर में प्रवेश करते ही आप भव्य त्रिपोलिया गेट दिखेगा। इस परिसर में एक जगदीश मंदिर भी है। लोहागढ़ किला भरतपुर। इस किले का निर्माण जाट राजा सूरजमल ने 18वीं सदी में किया था। भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग भी ऐसा ही दुर्ग है जिसने राजस्थान के जाट शासकों का वर्षों तक संरक्षण किया। 6 बार इस दुर्ग को घेरा गया लेकिन आखिर शत्रु को हारकर पीछे हटना पड़ा। लोहे जैसी मजबूती के कारण इस दुर्ग को लोहागढ़ कहा गया। सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करने के लिए लोहागढ़ के चारों ओर गहरी खाई खुदवाकर पानी भरवाया गया। आज भी इस दुर्ग के चारों ओर खाई और पानी मौजूद है। यह किला दो ओर से मिट्टी की दीवारों से सुरक्षित किया गया था। इस मिट्टी की दीवारों पर तोप के गोलों और गोलियों का असर नहीं होता था। इसके अंदर छुपा दुर्ग सुरक्षित रहता था। मिट्टी की दीवारों से इतनी पुख्ता सुरक्षा के कारण एक कहावत घर घर में चल पड़ी थी कि जाट मिट्टी से भी सुरक्षा के उपाय खोज लेता है।